सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? जी, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीज़ों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जोड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा हर व्यक्ति को, योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अधिकार है, उससे भी वंचित रखा कांग्रेस सरकार ने। तो प्राथमिकता यही रहेगी।